हेलो एवरीवन, वेल आज आपके सामने एक यूनिक प्रोफाइल लेके आया हूँ जिन्होंने हमारे पेज पे क्वेरी छोड़ी रिगार्डिंग द प्रोफाइल जो उनका एकेडमिक है। इनका क्वेश्चन का हेडलाइन है माय जीटी वाज रिजेक्टेड, कैन यू प्लीज एडवाइज मी व्हाई। तो उनकी प्रोफाइल देख के स्पष्ट दिख जाता है उनकी प्रोफाइल में प्रॉब्लम क्या है। मैं तो अकेडमिक प्रोफाइल आपके साथ शेयर करता हूँ। वेल आफ्टर डूइंग द क्लास 12th 2011 के अंदर इन्होंने 2014 में BSc किया, उसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन किया 2017 तक, और उसके बाद 2018 से 2020 MSc बॉटनी किया। हाउएवर जो इनका एक्सपीरियंस है 7 to 18 आफ्टर डूइंग बैचलर ऑफ एजुकेशन, इन्होंने काम किया एज अ कोऑर्डिनेटर विद सम स्कूल, परफेक्टली ओके, बैचलर ऑफ एजुकेशन खत्म किया, स्कूल में जॉब किया, नो प्रॉब्लम इन दैट। MSc बॉटनी करने के बाद इनका जॉब लगा वाइस प्रिंसिपल का उसी पर्टिकुलर स्कूल में जहां इन्होंने पहले एक्सपीरियंस लिया था। 1 ईयर का इनका टेन्योर रहा एज ए वाइस प्रिंसिपल। उसके बाद इन्होंने स्कूल बदला, तरक्की के लिए बदला, पैसे ज़्यादा मिल रहे थे उसके लिए बदला, बट ज्वाइन किया एज ए डेजिग्नेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन कोऑर्डिनेटर। कोर्स अप्लाई किया इन्होंने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन। अगर आप पढ़ाई पे जाएं, बैचलर ऑफ एजुकेशन लीडिंग टू मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, आपको कुछ प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। याद कीजिए वो एपिसोड जिसमें मैंने बोला था एन इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। अब उसमें जिस कोर्स के लिए ये 12-13 लाख रुपए लगाने जा रहे थे अपने ऑस्ट्रेलिया में, वो कोर्स का करियर आउटकम था यू विल बी एलिजिबल टू वर्क एज स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, कोऑर्डिनेटर, वाइस प्रिंसिपल, एडमिन साइड के ऊपर। वेरैस इन्होंने इंडिया में रह के उन्हीं पोजिशंस पे काम किया हुआ है, तो GT ऑफिसर की निगाह में, GT ऑफिसर की दुनिया में ये रिडंडेंट हो गया, क्योंकि जो कोर्स आप 12 लाख में पढ़ने जा रहे हो वो उसी मुकाम पे लाएगा जहां पे आप आज हो। तो योर कोर्स सिलेक्शन इज एंटायरली रॉन्ग। आपको याद होगा पिछले एपिसोड में मैंने कोर्स सिलेक्शन पे कुछ पॉइंट्स बोले थे, तो ये परफेक्ट एग्जांपल है उस कोर्स सिलेक्शन का जब आप एक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन का टाइटल देख के अपना कोर्स सिलेक्ट कर लेते हो, नॉट लुकिंग एट द वायबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम फॉर योर प्रोफाइल। GT थ्रू करना ऑस्ट्रेलिया में कभी इंटरव्यू का प्ले होता है, कभी डॉक्यूमेंट्स का होता है, और 90% ऑफ टाइम कोर्स का होता है। मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से एक ही चीज कहता हूं, एडमिशन मिलना इज नॉट GT क्लियरेंस। एडमिशन मिलता है आपके एकेडमिक और आपकी इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी को देखते हुए, GT क्लियर होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए। ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल विच आई वांट टू शेयर, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रिलेट करेंगे, दैट इज डिप्लोमा आफ्टर क्लास 12th पॉलिटेक्निक वाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 1 साल का आपको एग्जाम्पशन मिल जाता है तो आपका डिप्लोमा 2 साल का रह जाता है। ही वेंट इन टू सीक एडमिशन इन टू बैचलर ऑफ साइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10+2+ डिप्लोमा प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर इंडिया में करते तो इनको 1 या 2 साल का एग्जाम्पशन मिलता, डिपेंडिंग ऑन द क्रेडिट, सेम गोज टू ऑस्ट्रेलिया। बट इनका GT रिजेक्ट हुआ क्योंकि इनका जो मैकेनिकल का डिप्लोमा था उसमें कोर मार्क्स वर नॉट गुड इनफ टू बी अ पार्ट ऑफ द बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। नो, तो एक बहुत चीज यूनिवर्सिटी देखती है आपका एकेडमिक क्राइटेरिया, आपकी ग्रेडिंग। इसलिए उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट्स को एक रैंकिंग में डाला हुआ है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट्स ने, ताकि वो हमारी फैसिलिटीज, फैकल्टी का स्टैंडर्ड देख के ही हमें आगे एडमिशन दे। यहाँ पे एक एपिसोड है, शायद मैंने पहले भी बताया है बट यहाँ पे दोबारा जिक्र करूंगा। बैक आई थिंक 10 to 12 years बैक आई वॉज फ्लाइंग फ्रॉम पुणे टू दिल्ली, वापस आ रहे थे एजुकेशन फेयर करके। वहाँ पे UK की यूनिवर्सिटी थी, एरोनॉटिकल प्रोग्राम के लिए एक बच्चा काउंसलिंग करवाने आया, एंड उसके जब हमने बैचलर डिग्री देखे उसके 41 बैकलॉग्स थे, और उस यूनिवर्सिटी रैप ने उसको स्टेट में नो कर दिया। वो 41 जो उसकी सप्लीज थी वो 4 साल के अंदर ही क्लियर हुई थी। दैट मीन इट वॉज नॉट एन एक्सटेंडेड डिग्री, इट वॉज अ डिग्री कंप्लीटेड इन द सेम ड्यूरेशन, बट बैकलॉग्स वर ह्यूज। तो मैं फ्लाइट में बैठा उसके साथ, एंड आई आस्क्ड हिम, व्हाई डिड यू रिफ्यूज द एडमिशन टू द चैप, उस लड़के को एडमिशन क्यों मना किया आपने? एंड ही सेड, रोहित इमेजिन जिस एयरक्राफ्ट में हम बैठे हैं उस पे एक ऐसे इंजीनियर ने काम किया हो जिसके 40 से 45 बैकलॉग थे, विल यू फील सेफ?
और उसकी एक लाइन ने सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर कर दिया। एज ए स्टूडेंट आपने बहुत मेहनत की होगी अपने सप्लीज और बैकलॉग को फिनिश करने के लिए, बट एज ए एजुकेशन प्रोवाइडर आई एम रिस्पॉन्सिबल दुनिया को एक इंजीनियर देने के लिए, और वो इंजीनियर कल जिस प्रोजेक्ट पे काम करे दुनिया सेफ फील करे। तो यूनिवर्सिटी की दुनिया ये है, आपकी दुनिया ये है। जब वो दोनों दुनिया मिलती है तब जीटी क्लियर होता है। सिंपल है, लॉजिकल है, इच्छा पे नहीं चलता, लॉजिक पे चलता है। तो ऐसे आपके पास अपनी प्रोफाइल को लेके और अपने रिलेटिव, अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड की प्रोफाइल को लेके कोई सवाल होंगे जीटी को, स्ट्रक है, नहीं निकल रहा डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, इंटरव्यू की वजह से एंड मल्टीपल फैक्टर्स, डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस एट 90419-90419 टू गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व विद वन ऑफ आर एक्सपर्ट्स इन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन। विद दिस नोट एक ही चीज कहूंगा, ऑस्ट्रेलिया की एजुकेशन वर्ल्ड रिनाउंड है। जीटी प्रोसेस से डरिए मत, क्योंकि वो एक प्रोसेस है आपके एडमिशन और वीजा का। जितने अच्छी तरह समझ के उसके अंदर जाएंगे और इच्छा को दूर रखेंगे उतना उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। विद दिस नोट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग इनटेक ऑफ जुलाई 23 इन ऑस्ट्रेलिया।